दिन दहाड़े लूट की वारदात का पुलिस ने किया खुलासा, एक आरोपी को किया गिरफ्तार। राजसमंद के आमिर थाना क्षेत्र के वाली रोड पर 21 दिसंबर को दिन दहाड़े दुकान से तिजोरी में रखे हुए 70,000 रुपए की चोरी के मामले में आमिर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आमिर थाना ASI जयसिंह ने जानकारी देते बताया कि 21 दिसंबर के दिन जगदीश त्रिपाठी की दुकान से एक युवक नमकीन लेने गया था, जहां पर 100 रुपए की नमकीन वह खुले लेकर वापस कुछ ही दूरी पर जाकर खड़ा हो गया और दुकानदार शौच करने गया था, तभी पीछे से उक्त युवक गल्ले में रखे हुए 70,000 रुपए चुराकर फरार हो गया था, जिस पर पास ही दुकान पर लगे CCTV फुटेज के आधार पर उक्त आरोपी की पड़ताल करते हुए आमिर के मेला ग्राउंड पर उक्त युवक दिखाई दिया, जिस पर डिटेन कर थाने लाया गया। उससे पूछताछ की तो उसने वारदात करना कबूल किया। युवक मध्य प्रदेश के जावरा निवासी अब्बास जाफरी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उक्त वारदात करना कबूल किया, जिसके कब्जे से 70,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। उक्त आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा और PC रिमांड मांगा जाएगा। 21/12/2022 को बराती जगदीश बाजार के दुकान के ऊपर कोई ग्राहक आया और ग्राहक सामान खरीदने के चक्कर में सामान दिया, कुछ देर बाद ग्राहक उसे लेने लगा था और ये दूसरा बदमाश आया जिसने गले से 70,000 रुपये निकाल के ले गए। जैसे टीम विजिट कर उसको गिरफ्तार किया गया है और रुपये बरामद किए गए। आरोपी और किसी में लिप्त होने की संभावना अभी अनुसंधान जारी है और फिर पूछने पर अपना सब हो जाएगा।